लोकेशन है, दोनों उसमें डिफरेंस है। ठीक, अब जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ये देखते हैं या दिस वन, तो हम ये देख रहे हैं कि फोटो सिस्टम टू से इलेक्ट्रॉन निकल के फोटो सिस्टम वन में जा रहा है। ठीक, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन कहां से, फोटो सिस्टम टू से फोटो सिस्टम वन में जा रहा है एंड इट हैज वेरियस कैरियर इन बिटवीन। ओके, नाउ यू नो दैट फोटो सिस्टम टू इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम फोटो सिस्टम वन। तो इस कार्टून में जो डिफरेंस दिखाया है स्पेस का वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, PS2 यहाँ पे है, PS1 यहाँ पे है। ठीक, PS2 यहाँ पे, PS1 यहाँ पे। बट आइडियली जब आप क्लोरोप्लास्ट देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा है, तो यहाँ पे आपको इस लोकेशन में आपको PS2 मिलेगा और इस लोकेशन में आपको PS1 मिलेगा। सो दे आर फिजिकली सो मच सेपरेटेड, इतना क्लोज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो है PS2 से PS1 कैसे जाएगा, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, और ऊपर से और जाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऐसा कोई कैरियर चाहिए जो मूव कर सके, जो कैरियर ही मूव कर सके। मीनिंग दैट इफ PS2 इज गिविंग इलेक्ट्रॉन टू PS1, यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है इनके दोनों के बीच में, ये जो डिफरेंस यहां दिख रहा है ये इतना कम नहीं है, ज्यादा है। ठीक, तो यहां से यहां आने के लिए आइदर इट हैज टू ट्रेवल इलेक्ट्रॉन बाय Inside the membrane or within stroma, within the grana lamellae. तो अगर हम बोलते हैं within grana lamellae, ये वाला जो portion है yellow वाला, ये वाला portion, that is hydrophilic. और जब हम membrane की बात करते हैं कि thylakoid membrane grana membrane से चला जाए, lamellae से ही चला जाए, तो that is hydrophobic. ठीक है, तो there is a need for at least one or two इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट कैन बी मोबिलाइज फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। मीन्स हमको क्या चाहिए, एक मोबाइल कैरियर होना जरूरी है, क्योंकि हमको पता है कि दोनों फोटो सिस्टम के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, तो वो कौन से दो कैरियर है। तो ये जो दो कैरियर है उनका नाम लिख लो, तो ये पॉइंट ही पूरा लिख लो, सिंस पी एस वन एंड पी एस टू आर स्पेशली सेपरेटेड। देखो, सिंस पी एस One and PS2 are spatially separated, there is a need for electron carrier, there is a need for mobile electron carrier, there is a need for mobile electron carrier. निकलिए सब लोग, फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंस PS1 and PS2 are spatially separated. Spatially का मतलब स्पेस में, जब हम दो टर्म आता है स्पेशियल एंड टेम्पोरल, जब स्पेशियल टर्म आता है दैट मीन्स कि वो फिजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं, टेम्पोरल का मतलब होता है डिफरेंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या है, फिजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। सिंस PS1 and PS2 are spatially separated, so there is a need for mobile electron carrier. Diffusible from PS2 to PS1. Diffusible from PS2 to PS1. Diffusible from PS2 to PS1. कर लिया नोट, अब इसी में लिख लो, दीज डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रॉन कैरियर आर, पहला लिखो प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, एंड दूसरा प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक, हो गया। अब देखो पीएस टू डिटेल में देखते हैं, पीएस टू का स्ट्रक्चर, फर्स्ट आपने प्लास्टोसाइनिन बोला, सेकंड क्या बोला सर, प्लास्टोक्यूनॉन। ओके, प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्यूनॉन।
ओके, अगर हो गया हो तो हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब जस्ट थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं, ठीक। ये पॉइंट्स नोट कर लो, उसके बाद समझाता हूं। पहले पॉइंट्स नोट कर लो, ठीक। ये सारे चार पॉइंट हैं, ये चार पॉइंट नोट कर, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट्स नोट कर लो। शॉर्ट फॉर्म में लिखना, बहुत बहुत ज्यादा बड़े बड़े ये सेंटेंसेस हैं, अपने अपने हिसाब से उसको शॉर्ट कर लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। ओके, तो आगे। हाँ, अब देखो ये पीएस, हम जो है मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, एलएफसी 2 इज अ पार्ट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 इज पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम 2, ठीक। तो इसी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, सेम वही डायग्राम है फिर से, फनल शेप, इलेक्ट्रॉन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, कैरेटिनाइज, क्लोरोफिल बी ए से एंटीना कॉम्प्लेक्स होंगे, दैट विल गिव एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अब जो है ये देख, यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहां से यहां जो एनर्जी ट्रांसफर होती है पिगमेंट से, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। इसके बाद जब रिएक्शन सेंटर जब एक बार इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है दे देता है, रिएक्शन सेंटर एक बार इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैप कर लेता है, आइदर इट विल बी यूटिलाइज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और वीक रिडक्टेंट, मतलब वीक रिडक्टेंट कब रहेगा, PS1 के केस में, तभी वो एनर्जी का हार्वेस्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। वही एनर्जी जो है टोटल कैप्चर एनर्जी होगी। दिस इज सम अदर, बट इससे पहले ये देखो, अब डिटेल में देखते हैं, ठीक। वही स्कीम पूरा डिटेल में देखते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ठीक। तो ये जो डायग्राम है जेड स्कीम, ये इलेक्ट्रोस्टैट जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, रिएक्शन सेंटर PS2 का और रिएक्शन सेंटर PS1 का, ये और सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के स्केल पे अरेंज किए हुए हैं, ठीक। किसके पास जितनी एनर्जी है उस हिसाब उस अरेंजमेंट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, दिस पॉइंट विल गिव्स a strong reductant and this point will, this one gives strong oxidant, ठीक है। तो PS2 का electron potential ऐसा होता है that it will produce a strong oxidant. तो strong oxidant, oxygen को ये बनाते चलो, water को split करेगा, oxygen यहां से निकलेगा और proton निकलेंगे plus electron निकलेंगे, ठीक। जो reaction center से electron निकल रहा है, that electron will transfer to pyophyton. First electron acceptor from PS2 is pyophyton. Pyophyton जो है किसको देगा? Qnon को देगा, Qnon A, Qnon B. Then it will be transferred to another complex जिसको हम बोलते हैं cytochrome B6F complex. ठीक? जो cytochrome cytochrome complex देगा electron किसको? Plastocyanin को. ये पहले भी note कराया हुआ है. और ये QA इज नथिंग बट प्लास्टो क्यूनॉन या क्यूनॉन, ठीक। प्लास्टोसाइनिन को प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन देता है किसको? PS1 को। तो प्लास्टोसाइनिन क्या है? प्लास्टोसाइनिन इज अ मोबाइल प्रोटीन, मोबाइल प्रोटीन दैट कैरीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम B6 टू PS1। और साइटोक्रोम B6 आपको पता है इसकी लोकेशन थैलाकॉइड और ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली में यूनिफॉर्म होती है, ठीक। तो PS2 से साइटोक्रोम B6 जाने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना इलेक्ट्रॉन को, बट साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से PS1 तक जाने के लिए एक मोबाइल कैरियर की जरूरत पड़ती है, दैट इज प्लास्टोसाइनिन, ठीक। प्लास्टोसाइनिन PS1 को देगा और PS1 फिर जो है प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी लेकर के क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट देगा सबसे पहले A0 को, फिर A1 को, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन को, देन सीरीज ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन विल ट्रांसफर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन टू FNR, ठीक है। FNR विल नाउ रिड्यूस NADPH,
ठीक है, ये डायग्राम बना लो पहला, पहले पूरा। एफ डी इज फेरिडॉक्सिन और एफ एन आर क्या है कौन बताएगा? ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो यहां पे आपने देखा इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कौन कौन से कैरियर से होकर जाता है, ये याद रखना ठीक। कौन कौन कैरियर है, किसके बाद कौन सा कैरियर आता है, इस पे कभी कभी सीरीज में क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक। तो सीरीज याद रखने के लिए सबसे पहले आपको पीएस टू से फेओफाइटेन, फिर प्लास्टोक्विनोन, सिर्फ याद रखो प्लास्टोक्विनोन, इसमें क्यू ए क्यू बी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। फेओफाइटेन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, पीएस वन से ए जीरो, ए वन, आयरन सल्फर एक्स, आयरन सल्फर ए, आयरन सल्फर बी, फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन न्यूक्लियोटाइड एनएडीपीएच रिडक्टेज, ठीक है, जो कि एनएडीपी को रिड्यूस करेगा, बस ठीक। अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इनमें ये जो है चार मेजर कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है। पहला कॉम्प्लेक्स है आपका पीएस टू, दूसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स है पीएस वन एंड फोर्थ है एटीपी सिंथेस, ठीक। तो पीएस टू के बारे में तो काफी कुछ देख लिया हमने। पीएस टू का क्या काम है, मेजर सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इवोल्यूशन ऑफ ओ टू, ठीक है। और कहां पे होता है, कहां पे होता है बताओ बताओ जल्दी बताओ, कहां होता है पीएस टू? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन नहीं, ग्रेना मेम्ब्रेन में, ग्रेना लैमेली में, ठीक है। थैलाकॉइड, स्ट्रोमा लैमेली को भी थैलाकॉइड ही बोलते हैं, ठीक है। जब हम थैलाकॉइड बोलेंगे तो स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों आ जाता है। अब देखो पीएस टू, वाटर स्प्लिटिंग, साइटोक्रोम बी सिक्स इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पीएस वन एनएडीपी रिडक्शन और एटीपी सिंथेस एटीपी सिंथेसिस करेगा। तो अभी तक हम एटीपी सिंथेस पे नहीं पहुंचे, ठीक। अभी तक हमने जो देखा है वो सिर्फ ये तीन कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा है, ठीक। तो अभी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं ये जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, नोट करना है तो नोट कर लो, अदरवाइज बताओ तो आगे बढ़ते हैं। करना है नोट, नोट करना है Ignore. आवाज नहीं आई, ब्रेक हो रही थी, क्या बोला रितु? सर एक मिनट रुक जाओ बस, ठीक है नोट कर लो। सर आप लास्ट में ना जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था बस एक बार स्लाइड दिखा देना, मैंने तो मेरा पावर कट था सर, तो लेट ज्वाइन कर पाई थी। अच्छा, तो यहाँ पे आपने साइटोक्रोम बी6 के बारे में एक डिटेल अगर ढंग से पढ़ा तो ये दिखा होगा, इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फॉर पीएस2, ये तो बताया मैंने, डिलीवर्स टू पीएस1, ठीक। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट एडिशनल प्रोटॉन इनटू ल्यूमेन फ्रॉम स्ट्रोमा, ठीक है। तभी तो अभी तक हम प्रोटॉन की ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन जहां पे स्टेटमेंट आ रहा है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइटोक्रोम का एक और फंक्शन है, वो क्या करता है, प्रोटॉन ल्यूमेन में पंप करता है, कहां से, स्ट्रोमा से। अब देखो इसका स्ट्रक्चरल डिटेल है, ठीक है, कौन सा जो है कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, तो क्या क्या इवेंट होते हैं, ठीक। पीएस2 जो कॉम्प्लेक्स है, मेम्ब्रेन, सारी ये मेम्ब्रेन अटैच कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक। तो पीएस2 जो है स्प्लिटिंग करेगा लाइट के प्रेजेंस में, और ये स्प्लिटिंग जो है वाटर की हमेशा ग्रेना के ल्यूमेन साइड में होती है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो रिएक्शन सेंटर में होता है पीएस2 के, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है आपका हमेशा ल्यूमेन साइड में प्रेजेंट होता है पीएस2 के रिएक्शन सेंटर से लगा हुआ, ठीक। तो पीएस2 का रिएक्शन सेंटर सबसे पहले एनर्जी लेकर के वाटर स्प्लिट करेगा, वाटर स्प्लिटिंग से जो है H2O स्प्लिट होगा, तो H2 प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। तो प्रोटॉन किधर जा रहा है, ल्यूमेन में रह जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 1, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकला पीएस2 से तो कहां जाता है, सबसे पहले इसका एक्सेप्टर कौन है, पीएस2 से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, जो इसमें नहीं दिया हुआ, फियोफाइटिन,
फियोफाइटिन, ठीक है, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन लेगा, फियोफाइटिन हमेशा क्लोज कॉन्टेक्ट में रहता है रिएक्शन सेंटर से, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और किसको देगा, प्लास्टो क्यूनॉन को। तो ये प्लास्टो क्यूनॉन एक साइकिल बनाए हुआ है यहाँ पे, ठीक है, प्लास्टो क्यूनॉन की एक साइकिल बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं क्यू साइकिल। क्या बोलते हैं? क्यू साइकिल। क्यू साइकिल भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, तो अभी ध्यान मत दो उस पर इतना। प्लास्टो क्यूनॉन को जाता है, प्लास्टो क्यूनॉन का एक और फंक्शन है कि प्लास्टो क्यूनॉन क्या करता है, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन स्ट्रोमा से लेगा और कहां पंप करेगा, ल्यूमेन में। जब कब पंप करेगा, जब ये साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन देगा उसी समय प्रोटॉन पंप हो जाता है कहां पे, ल्यूमेन में। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं टू, ठीक, हम प्रोटॉन अकाउंट कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जो है आपका साइटोक्रोम सिक्स कॉम्प्लेक्स से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन को जाएगा। अब देखो प्लास्टोसाइनिन ये बनाया है कहां पे, ल्यूमेन की तरफ बनाया हुआ है, ठीक है, और मेम्ब्रेन से अलग बनाया, मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है। तो प्लास्टोसाइनिन क्या है, एक हाइड्रोफिलिक स्मॉल प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी सिक्स से एक्सेप्ट करके कैरी करके पीएस वन तक लेकर के जाएगा। अब एक बार पीएस वन पे पहुंच गया तो ये पीएस वन को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, और पीएस वन उसी इलेक्ट्रॉन को लाइट एब्जॉर्ब करके और स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट क्या करेगा, अ सीरीज ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के बाद फेरेडॉक्सिन और अल्टीमेटली फेरेडॉक्सिन एनएडीपीएच रिडक्टेस में जाएगा जो कि एनएडीपी को रिड्यूस करेगा। तो ये बताओ पीएस वन से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा मॉलिक्यूल होता है, कौन बताएगा? फियोफाइटिन सर। फियोफाइटिन तो पीएस टू से होता है ना, पीएस वन से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा मॉलिक्यूल होता है, फियोफाइट। हाँ ठीक, फियोफाइटिन जो है आपका पीएस टू से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बट पीएस वन से कौन सा, ए जीरो या ए नॉट बोल सकते हैं, ठीक। अब देखो ये दो दो जगह प्रोटॉन दिख गया हमको, अब ये दोनों प्रोटॉन दो जगह से प्रोटॉन ल्यूमेन में आया, यहाँ पे आते हैं प्रोटॉन पंप होगा ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ वाया एटीपी सिंथेज। तो जैसे 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 प्रोटॉन निकलेगा वैसे वैसे एटीपी प्रोड्यूस होगा, ठीक। बस एक चीज और ध्यान दो, तो जो ये एटीपी सिंथेसिस है, एटीपी सिंथेस एटीपी कैसे जनरेट करता है, एटीपी सिंथेस एटीपी जनरेट करेगा बाय ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बन रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे जनरेट कर रहा है कौन, फर्स्ट मैंने ये लेबल किया, सेकंड ये लेबल किया, और इसी डायग्राम में एक थर्ड पोजीशन और है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट कर रहा है, कौन बताएगा, देख करके बताओ, डायग्राम देख करके बताओ और कहां कौन सी ऐसी जगह है जहां से प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच में। प्रोटॉन ग्रेडियंट की जब बात करते हैं मतलब यह है कि प्रोटॉन यहां पे इधर ज्यादा होगा हाई और इधर लो होगा, ठीक। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट करने का दो पोजीशन तो मैंने मार्क कर दिया, तीसरा पोजीशन बताओ कौन सा है इस डायग्राम में दिया हुआ, सर साइटोक्रोम बेसिक्स एफ, वो तो मार्क किया हुआ है ना, ये रहा, और एक वाटर स्प्लिटिंग, जो थर्ड वाटर प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करता है वो एनएडीपी जो है एनएडीपीएच बनाता है तब जनरेट होगा। एनएडीपी जब एनएडीपीएच बनाएगा तो प्रोटॉन यहां से स्ट्रोमा से रिमूव हो रहा है, प्रोटॉन स्ट्रोमा से रिमूव हो रहा है, बट एक्चुअली वो ल्यूमेन में नहीं जा रहा है, बट स्टिल प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करने में तो हेल्प कर रहा है ना। Are you getting my point? किसको नहीं समझ yes, sir. किसको नहीं समझ में आया, किसने बोला यस? यस सर आ गया। हाँ बताओ अभी तू कैसे, क्या मतलब था सर, हमें ये देखना है कि स्ट्रोमा में प्रोटॉन का लेवल कम होना चाहिए और ल्यूमन में ज्यादा होना चाहिए। तो दो तो हमने देख लिए कि दो जगह से जो प्रोटॉन है वो अंदर आ गया, और तीसरी जगह हम देखेंगे कि एनएडीपी है जो
वो प्रोटोन का यूज करके एनएडीपीएच बनाएगा, तो स्ट्रोमा में तो प्रोटोन की कंसेंट्रेशन कम ही हो रही है ना। एग्जैक्टली, स्ट्रोमा में प्रोटोन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, ठीक। और ये बात हमेशा याद रखना है कि जो एटीपी सिंथेज है वो हमेशा प्रोटोन ग्रेडियंट पे काम करता है, ठीक, आयनिक ग्रेडियंट पे नहीं, आयन ग्रेडियंट पे काम नहीं करता, प्रोटोन ग्रेडियंट पे। आयन ग्रेडियंट और प्रोटोन ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस है? आयन ग्रेडियंट की जब हम बात करते हैं तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं, लेकिन जब हम प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात करते हैं तो सिर्फ प्रोटॉन का कंसंट्रेशन काउंट करते हैं, इट्स जस्ट अबाउट पीएच, ठीक है। अब देखो, ठीक, तो ये डायग्राम बना लीजिए।